आपको याद होगा 2014 में दो तीन एनजीओस थी जिन्होंने ये स्कूल अडॉप्ट किए थे और उसकी रोशनी में उनको अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से उन स्कूलों में ना तो फीस बढ़ी थी बल्कि उनके अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने बड़े अच्छे टीचर्स रखे, उन स्कूलों का मैार बढ़ा। और मैं आपको फिगर दे सकता हूँ कि जिस स्कूल में 300-350 बच्चा पढ़ता था आज उन स्कूलों में 1800 बच्चा पढ़ रहा है। बुध को स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, निगरान सूबाई वजीर मंसूर कादिर का बड़ा ऐलान। कहा कि स्कूलों को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया गया, हुकूमत की कोशिशों को गलत रंग दिया जाता है। हर पीर को स्मोक का जायजा लेकर स्कूल बंद करने का फैसला किया जाएगा। सरकारी स्कूलों की नजकारी की खबरें बेबुनियाद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है स्कूलों की नजकारी के हवाले से खबरें हकायक के मुनाफी हैं, स्कूलों की नजकारी का कोई प्रोग्राम जेरे गौर नहीं। तमाम इदारे स्मोक कम करने के लिए इकदामात कर रहे हैं, इसमें बुनियादी तौर पर जो पोल्यूशन फैलाती हैं, एक तो फैक्ट्रीज होती हैं, दूसरा खेतों में जो किसान फसल काटने के बाद आग लगाते हैं, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मसला है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों की जानिब से होता है। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने हदायत की है ज़िले इंतज़ामिया को कि पेट्रोल की कीमत में जो 40 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है उसके समरात जो हैं वो आवाम तक जाने चाहिए। चूँकि होता ये है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट के किरायों से लेके फ्रूट सब्जी गोश्त दालें चावल आटा हर चीज़ महंगी हो जाती है। स्मॉग में कमी के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बढ़ती हुई आलूदगी की बड़ी वजह फैक्ट्रियां और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के असरात आवाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म हैं। रियाया को धमकाया नहीं प्यार से मनाया जाता है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की बुध को मार्केटें बंद करने के फैसले की मुखालफत। कहा कि इंसदाद स्मोक के लिए दरख्त लगाएं ना कि ताजरों का मौशी कत्ल करें, मार्केटें खोलेंगे चाहे गिरफ्तार किया जाए। जो हुकूमत करने जा रही है ये ताजरों का रिस्क बंद कर रही है, ये उस गरीबों का रिस्क बन गई है, उन मजदूरों का बंद कर रही है, जो बेचारा रोजगार जो है तबका है। क्या कितने गरीबों के घर हुकूमत ने राशन भेजा है ऐसा बताएं। और ऐसी कौन सी मार्केट है जहां स्मोक पैदा होता है। पंजाब हुकूमत की ओवेस्टन इंजेक्शन रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि इंजेक्शन छोटे टीकों में तकसीम करके निजी बस सर्विस के जरिए डॉक्टर्स को भिजवाए गए, इंजेक्शन खराब होने से मरीज मुतासिर हुए, डिस्पेंस करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अवेस्टिन इंजेक्शन से आंखों की बिनाई मुतासिर होने का वाकया लाहौर होशरुबा इंकशाफात सामने ले आया। निजी अस्पताल से इंजेक्शन लगवाने वाले 40 से ज्यादा मरीजों की बिनाई चली गई। मुतासर शख्स ने कहा अस्पताल इंतजामिया ने पहले मुतासरीन को इलाज का झांसा दिया फिर लावारिस छोड़ दिया। आंखों से मुतासर अफराद की हुकूमत से नोटिस किया था। मौसम बदला डेंगू के तेवर न बदले, एक ही रोज में 40 अफराद मूजी वायरस का शिकार। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 55 मरीज सिरे इलाज। रवां साल डेंगू के मरीजों की तादाद 2664 हो गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का मेयो अस्पताल का दौरा, ज़ेरे तामीर इमरजेंसी ब्लॉक का मुआयना किया। जाहिद अख्तर जमान की तामीराती काम मुकर्रा करदा मयार के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। साबका जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें भी आपने मुझे एक मुतहरक करदार अदा करते हुए देखा। 9 मई का जो एक वाकया पेश आया जो अफसोसनाक वाकया था, उस वाकये के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे। हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए उस स्ट्रगल से हटके हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। ओपनिंग बल्लेबाजों के बाद पीटीआई का मिडल ऑर्डर भी बिखर गया। फरूख हबीब भी इस तहकामे पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए।
सानिहा 9 मई का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई को करार दे दिया। कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को मुल्की मफाद के खिलाफ सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद से हटकर मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले आए। पीटीआई ने पुरअमन मुसाहमत के बजाय पुरतशद्दुद मुसाहमत का रास्ता अपनाया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग मरियम नवाज़ की मुलाकात हुई। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक कानूनी उमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने बुध को लाहौर के तमाम कोआर्डीनेटर्स का इजलास भी बुला लिया। ज़िले क़यादत को मीनार पाकिस्तान आने वाले कारकुनान की फहरिस्तें जमा कराने की हिदायत। मियाँ साहब को जी वापस अपना मुल्क है, उनको होना ही इधर पाकिस्तान में चाहिए था, और ज़ाहिर है वापस आएंगे तो जो कानून है उसी के मुताबिक फ़ैसले होने ही चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछें तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये होगी कि इलेक्शन जो है वो एक तो जल्द से जल्द हो और उसमें और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों फ्री हों इलेक्शन कैंपेन करने के। एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली तो सबको मिलनी चाहिए। असद उमर की पेशी के मौके पर अदालत में गुफ्तगू। कहा कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। ख्वाहिश है कि इंतखाबात जल्द हों। फलस्तीन के लिए आवाज न उठाने से किसी की खुशनूदी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी लाहौर में सियासी पावर शो का फैसला। 18 अक्टूबर को जलसे की तैयारियां मजीद तेज कर दी गई। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल कहते हैं निगरान हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ के लिए जलसे की इजाज़त दे दी, हमें सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जा रही। शहर में निजाम तालीम मफलूज होकर रह गया। पंजाब भर के टीचर्स यूनियन सरापा एहतजाज। असातिज़ा का क्लासेस का बायकॉट, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तर्जमान टीचर्स यूनियन के मुताबिक लाहौर में तालीम का मुकम्मल बायकॉट है, कोई भी टीचर क्लासेस नहीं ले रहा। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन का भी पारा हाई। प्रेम यूनियन क्लास 4 के मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। मुलाजमीन ने लोको शेड में काम बंद कर दिया। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, कहते हैं तनख्वाहें अदा करने तक एहतजाज जारी रखेंगे। बादामी बाग मंडी की मुंतकली का मामला महकमे ज़राअत और आढ़ती एसोसिएशन का फड्डा शिद्दत इख्तियार कर गया। एसोसिएशन सदर मियां फैसल मजीद का मंडी की मुंतकली से इनकार, कहते हैं कि मंडी काला खताई रोड पर मुंतकिल हुई तो एहतजाज करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर आवाम को रिलीफ देने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। ट्रांसपोर्ट किराओं और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदामात पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के समरात आवाम को भी मिलने लगे। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन का किरायों में 5 से 10% कमी का ऐलान। अकरम जकी ने कहा कि लोकल ट्रांसपोर्ट पर 5%, लॉन्ग रूट ट्रांसपोर्ट पर 10% किरायों में कमी कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के असरात, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराओं में 5 से 10% कमी कर दी। सदर मिनी मस्ता एसोसिएशन चौधरी शेर अली का कहना है डीजल भी 40 रुपये सस्ता होता तो किराओं में मजीद कमी करते। डॉलर और पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद अशिया खुरानोश बदस्तूर महंगी। चिकन सब्जियां और फलों की कीमत कम ना हो सकी, सरकारी निर्णयनामा नजरअंदाज। आलू और प्याज की कीमत में 12 से 15 रुपए किलो इजाफा। फार्मी अंडे भी 3 रुपए महंगे, 12 अंडे 314 रुपए के हो गए। सर मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये हमें कम से कम 200 रुपए लीटर करें पेट्रोल। आवाम को रिलीफ चाहिए ना, जो ये ऊपर से खा रहे हैं उनको निकाल दें, जो आवाम कर रही है उसके लिए सोचें। ये सर 40 रुपए सस्ता हो गया 100 रुपए महंगा हो जाएगा। ये आवाम को खुश करने के लिए थोड़ा सा वो घी डाल देते हैं, उसके बाद वो टोका इन्होंने तेज़ रखा हुआ है। ठीक है, आवाम जैसी भी है, हमारे हुक्मरानों का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल, कहते हैं रिलीफ आरजी है, कुछ दिन बाद कीमत दुगनी कर दी जाएगी। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद कमी ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है।
महंगाई ने पंजाब पुलिस की वर्दी का बजट बढ़ा दिया। रवा माली साल यूनिफॉर्म के लिए मुख्तस से 40 करोड़ रुपये कम पड़ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जैकेट्स, शूज, शर्ट्स और बेल्ट्स की खरीदारी के लिए मजीद 2 अरब रुपये दरकार हैं। कीमतें बढ़ने से रेट्स में मजीद इजाफा मुतवक्के। करप्शन करूंगा ना करप्शन में सहूलतकार बनूंगा। लेस्को अथॉरिटी ने अफसरान से मसाजिद में करप्शन ना करने का हल्फ लिया। एसटीओस, एक्सियंस और मुख्तलिफ अफसरान से हल्फ लिया गया। अफसरान ने मुल्क और कंपनी से वफादार रहने का हल्फ लिया। रोजाना 1000 का पेट्रोल दिया जाए तो हल्फ देने को तैयार हैं। छोटे मुलाजमीन का मुतालिबा। लेस्को में बदस्तूर मीटर्स और केबल्स की कमी, सारिफीन ख्वार होने लगे। सारिफीन नए कनेक्शन के हुसूल के लिए महीनों से दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। हजारों की तादाद में खराब मीटर भी तब्दीली के मुंतजर। लेस्को चुबुर्जी सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। शेराकोट में तार बनाने वाली फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़ ली। एसटीओ इरफान अली का कहना है कुंडा लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। मुलजमान ने कौमी खजाने को 10 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। पुलिस का लेस्को के साथ मिलकर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़श्ता माह 983 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। कैंट डिवीजन में 191, सिविल लाइन्स में 153, सदर डिवीजन में 280 मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई हुई। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलबर्ग, मॉल रोड, जेल रोड, लिबर्टी और कलमा चौक में बूंदाबांदी। जल्लो, केनाल रोड, मुगलपुरा, धर्मपुरा में भी बारिश हुई। ठंडी हवा से खुनकी में इजाफा हो गया। सुबह और शाम के औकात में शहरियों के पहनावे भी तब्दील होने लगे। निगरान वजीर अला पंजाब का बंद रोड का दौरा, कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जायजा लिया। सैयद मोहसिन नकवी ने साइट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना भी किया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, चीफ इंजीनियर LDA ने वजीर अला को प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। वजीर अला के मंसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। शहर में जारी तरक्याती कामों में तेजी। खालिद बर्ग चौक अंडरपास की तामीर में अहम पेशरफ्त। अंडरपास की तमाम पाइलें सिर्फ 32 रोज में मुकम्मल। प्रोजेक्ट का मजमूई तौर पर 54% काम मुकम्मल कर लिया गया है। कमिश्नर लाहौर कहते हैं प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रहे हैं। शहर में जारी तरक्याती कामों में तेजी। खालिद बट चौक अंडरपास की तामीर में अहम पेशरफ्त। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली। निगरान वज़ीर आला से मराकेश के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर समी मलिक की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी की समी मलिक को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि सकाफत, सियाहत और तिजारत के शोबों में बेपनाह मौके हैं। सफीर की हैसियत से हुकूमती सतह पर बाहमी रापतों को मजीद बढ़ाएंगे। निगरान वजीर आला से रुकन बरतानवी पार्लियामेंट खालिद महमूद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ओवरसीज के मसाइल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया तरक्की और खुशहाली के मजबूत पार्टनर हैं। खालिद महमूद बोले कि मोहसिन नकवी ने अपने काम से नाम पैदा किया है। माहौलियाती तब्दीली से नबर्द आजमा होने वाली सब्जियों की काश्त का मंसूबा नाकाम। ज़राअत अफसरों ने PND बोर्ड को आगाह किए बगैर PC1 तब्दील कर दिया। महकमा ज़राअत अफसरान की मुजरिमाना गफलत से एक भी फसल काश्त ना हो सकी। खजाने को 26 करोड़ 39 लाख का नुकसान। जाली डिग्री वाला वकील असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब बन गया। सेक्रेटरी कानून ने अहदे से हटाने के लिए निगरान वज़ीर आला को समरी अरसाल कर दी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने सेक्रेटरी कानून को इश्तियाक गोहर के खिलाफ कार्रवाई के लिए मरासला लिख दिया।
जिना हाउस हमला और चलाओ घेराव का केस पीटीआई रहनुमा अरशद उमर के साथ मुकदमात में उबरी जमानत पर समाप्त। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने उबरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमात का रिकॉर्ड पेश ना किया जा सका। नौ मई को गुलबर्ग और राहत बेकरी चौक में पुलिस गाड़ियां जलाने का केस एटीसी के अहकाम ना मानने पर सुप्रिंटेंडेंट जेल कोटलक पर तलब। डॉक्टर यास्मिन राशिद और मियां महमूदुर रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी गई। राहत बेकरी चौक में पुलिस गाड़ियां जलाने का केस पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और अफशा तारिक की एटीसी में पेशी। सनम जावेद समेत मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत के मुलजिमान को 30 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। तफ्तीश के मुताबिक आबिद बॉक्सर ने अरबों रुपए के प्लाजे और फ्लैट बना रखे हैं। हाउसिंग सोसाइटी से भत्ता मांगने के सबूत भी मिल गए। मुलजिम के अकाउंट से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इंकशाफात भी हुए। पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए आईजी पंजाब व मुतहरिक अकासी एहलकारों के इलाज के लिए 22 लाख से ज्यादा के फंड से जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर का अकासी एहलकारों के बेहतरीन इलाज के लिए इकदाम का हुक्म। सीसीपी ऑफिस में चेक तकसीम करने की तकरीब। एसएसपी एडमिन आतिफ नजीर ने वेलफेयर फंड्स के चेक तकसीम किए। 14 गाजियों में चेक तकसीम किए गए। 34 खसूसी बच्चों के वालिदैन में भी चेक तकसीम किए गए। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे की मुनासबत से आगाही वॉक और सेमिनार। वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की खुसूसी शिरकत। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सरदार असफर अल फरीद और प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ जिया भी शरीक हुए। एनेस्थीसिया आलमी दिन के मौके पर घुरकी अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप। 200 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज और मुआयना किया गया। 25 से ज्यादा मरीजों को घुटनों, कमर और गर्दन के मोहरों में दर्द को फौरी खत्म करने वाला इंजेक्शन लगाए गए। क्रिकेट को बाकायदा ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट की शमूलियत की मंजूरी दे दी। आईसीसी की ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत की तस्दीक। ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट टी20 फॉर्मेट में खेली जाएगी।